चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। ओके स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। अभी हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, जिस चैप्टर का नाम है बेटा स्पेशल कोड। ठीक है, हम स्पेशल कोड को सबसे पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम एनसीएलटी को रिवाइज करेंगे, फिर समय बचा तो मिसेलियंस, और ये हमारा लास्ट सेशन होगा जिसके अंदर हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, मंडे रिविजन का लास्ट सेशन। इसके बाद कोई भी दूसरा सेशन कवर अप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपने याद रखना। ठीक है, सो प्लीज आ जाइए सबसे पहले स्पेशल कोड के ऊपर। ठीक है, जस्ट होल्ड। लेट्स गो। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशल कोड के साथ में, बिकॉज ये चैप्टर के अंदर सेक्शंस थोड़े से ज्यादा है, तो इसको ठीक से देखना जरूरी है। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड को हम देखेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड के अंदर मेंशन करके रखा गया है कि कौन सी चीजें स्पेशल कोड के लिए जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो ऑफेंस कंपनीज एक्ट में सीवियर है। अब सीवियर ऑफेंस के डेफिनेशन कहां से आएगी, तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बट रियलिटी में जिन ऑफेंस में 2 साल या उससे ज्यादा की इंप्रिजनमेंट होती है, उन ऑफेंसेस को हम कंपनीज एक्ट में सीवियर मानते हैं, और इस सिचुएशन में ये ऑफेंसेस हम स्पेशल कोर्ट से एंटरटेन करवाते हैं। क्लियर है आंसर? सीजी विल डिजिग्नेट अ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई आउट द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। स्पेशल कोर्ट शॉल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हु शॉल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट with whose jurisdiction the judge to be appointed is working. Single judge holding office as a sessions judge or additional session judge, offense punishable under the act with imprisonment of 2 years or more. मतलब सिंपली सेशन जज, एडिशनल सेशन जज हम स्पेशल कोर्ट में अपॉइंट करेंगे, जो 2 साल से ज्यादा के इंप्रिजनमेंट के चीजों को हैंडल करेंगे। फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन अदर ऑफेंसेस। अब इस सिचुएशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैजिस्ट्रेट ये वर्ड हम यूज करते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर, और जज ये वर्ड हम यूज करते हैं सिविल ऑफेंसेस के अंदर, जब हम प्राइमरीली सिविल कोर्ट के पास में जाते हैं तब। तो यहां पे क्रिमिनल ऑफेंसेस है जिसका जेल अगर 2 साल से ज्यादा है तो मैजिस्ट्रेट के पास ऑफेंस जाता है। मैंने मैजिस्ट्रेट के ऊपर इस बार अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन दिया है कि सिविल जज और क्रिमिनल जज और मैजिस्ट्रेट किस किस ने देखा, एक बार कमेंट कीजिएगा कि भाई क्रिमिनल के केस में मैजिस्ट्रेट कब होता है, सिविल के केस में जज कब होता है, इसका बहुत अच्छा डिस्कशन लिया है, ये आपने जरूर देखना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को इसका ज्ञान नहीं होता, तो प्लीज उसको देखना। तो क्रिमिनल ऑफेंस है कंपनीज एक्ट का और 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट हैंडल करेगा, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा है सिविल ऑफेंस है तो जज हैंडल करेगा। ऑफेंस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, An offence under the Act shall be tried by special court. The offence of the company shall be tried by special court having jurisdiction over registered office, or if they detained a person for 15 days or 7 days, forward such a person to a special court, and the same powers of such a forwarding person are used by magistrate. मतलब अगर civil offences है तो ऐसे situation में हम बंदे को detain करके जज के पास भेजेंगे, criminal offence है तो magistrate के पास भेजेंगे। Clear है concept? इतनी चीज को आपने याद रखना है। Then appeals and revision. All the powers of the High Court are being given to Special Court. Special Court is made for speedy transmission. Severe case है, speedy disposal करना है, आप Special Court के पास आओगे, इसलिए High Court के सभी power Special Court को दिए गए हैं, और इसलिए Special Court के above appeal करना है काफी मुश्किल होता है। Clear है? Because High Court की power दी है तो above नहीं, हम speedy trial भी दे रहे हैं और आप appeal भी करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। Application of Code of Procedure before the Special Court, section number 438. The provision of कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शॉल अप्लाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला क्रिमिनल केसेस को भी इसमें हैंडल किया जाता है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को स्पेशल कोर्ट के पावर दिया जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? बिकॉज क्रिमिनल लॉ में मेट्रो मैजिस्ट्रेट ही वर्क करता है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अ पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट शॉल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो भी ये केस हैंडल कर रहा है हम उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दर्जा दे सकते हैं। इनमें से कोई सेक्शन नियरली पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जा सकता है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। मीनिंग ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एवरी ऑफेंस अंडर द एक्ट एक्सेप्ट द ऑफेंस रेफर्ड टू इन 2126 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 2126 में छोड़ के जो एक्ट ऑफेंस दिए है वो सब विल बी डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब आप उसके खिलाफ दखल नहीं ले सकते।
कोर्ट शॉल टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच अलीज टू हैव बीन कमिटेड बाय एनी कंपनी और एनी ऑफिसर ओनली ऑन रिसीविंग कंप्लेंट इन राइटिंग बाय रजिस्ट्रार. मतलब आप दखल ले सकते हो कंपनीज एक्ट में किसी भी ऑफेंस की अगर आरओसी राइटिंग में अप्लाई करता है, शेयर होल्डर राइटिंग में अप्लाई करता है, या मेंबर राइटिंग में अप्लाई करते हैं, या पर्सन जो सीजी ने ऑथोराइज किया वो अप्लाई करता है राइटिंग में, तो ही कॉग्निजेंस लेना है. अदरवाइज कोई भी ऑफेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा स्पेशल कोर्ट से. मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन जाके स्पेशल कोर्ट को अप्लाई कर देगा और आप ऑफेंस एंटरटेन कर लोगे. सिर्फ रजिस्ट्रार, शेयर होल्डर और मेंबर ये लोग ही अप्लाई कर सकते हैं या पर्सन ऑथोराइज बाय सीजी. नॉट अप्लाइड ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर. कोई भी प्रोसिक्यूशन ऑफ कंपनी या उसके किसी भी ऑफिसर को ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वो प्रोसिक्यूशन अलग से चलते रहेंगे. नॉट अप्लाई टू एक्शन टेकन बाय लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी. कोई भी लिक्विडेटर के एक्शन के लिए स्पेशल कोर्ट के मैटर एप्लीकेबल नहीं होते. नॉट अप्लाइड, कोर्ट मे टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इश्यू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ द डिविडेंड कंप्लेंट ऑन कंप्लेंट बाय पर्सन ऑथोराइज. मतलब अगर शेयर ट्रांसफर में और डिविडेंड नॉन पेमेंट की कंप्लेंट है तो ऑथोराइज पर्सन ने अगर अप्लाई किया है सेबी को तो स्पेशल कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले सकता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है. इफ द कंप्लेंट ऑफ रजिस्ट्रार पर्सन ऑथोराइज बाय सीजी इन द प्रेजेंस नॉट टू बी नेसेसरी अनलेस रिक्वायर्ड बाय कोर्ट. मतलब सीजी का कंप्लेंट या तो फिर किसी ऑथोराइज पर्सन का कंप्लेंट ही एंटरटेन किया जाएगा, बाकी और किसी का कंप्लेंट एंटरटेन नहीं किया जाएगा. आगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस. अगर आपकी पेनल्टी 5 लाख या उससे कम है तो कंपाउंडिंग, इसके ऊपर मैंने फेमा के अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन लिया था कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीज उसको देखिएगा फिर इसको देखिएगा. रीजनल डायरेक्टर कंपाउंड करेगा आपका ऑफेंस. अगर आपकी पेनल्टी 5 लाख से ज्यादा है तो एनसीएलटी कंपाउंड करेगा. मतलब आप कंपाउंडिंग मतलब आप गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहे हो, आप पेनल्टी के लिए माफीनामा मांग रहे हो. अगर आपकी पेनल्टी 5 लाख से कम है, आपकी पेनल्टी है 4 लाख, तो आप रीजनल डायरेक्टर को बोलोगे माफ कर दो पेनल्टी कम कर दो. अगर आपकी पेनल्टी 5 लाख से ज्यादा है तो आप एनसीएलटी को अप्लाई करोगे, बोलोगे पेनल्टी कम कर दो. आप कंपाउंडिंग पेनल्टी और जेल वाले ऑफेंस का कन्वर्जन कर सकते हो टोटल पेनल्टी में, या पेनल्टी वाले ऑफेंस का आप कंपाउंडिंग कर सकते हो. पेनल्टी इन टोटल, जेल इसमें से गायब हो जाएगा, और पेनल्टी वाले ऑफेंस का आप कंपाउंडिंग कर सकते हो फॉर लेसर पेनल्टी. ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. लेकिन ये ऑफेंस 3 साल के गैप में रिपीट नहीं होना चाहिए. बाकी और कंपाउंडिंग के जितनी भी चीजें थी ये चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है फेमा के अंदर, तो उसको पढ़ के इसको पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में मेडिएशन एंड काउंसिलिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडिएशन और काउंसिलेशन का मैं कंसेप्ट यहां पे बोलूंगा. हालांकि मेडिएशन एंड काउंसिलेशन का पूरा लेक्चर, 2 लेक्चर्स मैंने डाल के रखा है, वहां से आप इसको पढ़ो तो बहुत बेटर होगा. यहां पे मैं कंसेप्ट और थोड़ा सा रिविजन करवा दू. आपने सुना होगा जब 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उन लोगों को उस डिस्प्यूट को एक कंक्लूजन तक लेके जाने में जो सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं मीडिएटरी. काउंसिलिएशन आपने देखा होगा, मैरिज काउंसिलिएशन होता है. काउंसिलिएशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मीडिएशन, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि सामने वाले पर्सन ने करना क्या चाहिए. एक चीज को याद रखना, मीडिएशन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. इसके अंदर हम ही सोल्यूशन देते हैं कि आपने ये करना चाहिए. 2 पार्टीज में डिस्प्यूट चल रहा है, हम ही सोल्यूशन देंगे आपने ये करना चाहिए. अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में झगड़ा हो गया और आप मीडिएटरी हो, मीडिएशन कर रहे हो, तो आप डिसीजन दोगे कि ये होना चाहिए, इसके तरफ आप दोनों पार्टीज को परस्यू करेंगे. काउंसिलेशन में हम ये नहीं करते. काउंसिलेशन में हम सोल्यूशन देते ही नहीं है, हम सिर्फ पार्टीज को सहूलियत देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि प्रोसीजर्स आगे बढ़े. ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है. ठीक है, तो यहां पर मैं मान करता हूं. सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो मीडिएशन काउंसिलेशन कर सकता है. सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स जो क्वालिफाइड सीजी को लगते हैं ये करने के लिए, जो एनसीएलटी को हेल्प करेंगे. पार्टीज टू प्रोसीडिंग्स मे अप्लाई टू सीजी एंड एनसीएलटी फॉर मीडिएशन काउंसिलेशन. इसके साथ फीस पे करना पड़ेगा. अथॉरिटी शॉल अपॉइंट 1 or more एक्सपर्ट ऑन द पैनल. एक से ज्यादा एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं इन लोगों के लिए. अथॉरिटी में सुमोटो रेफर अ मैटर पर्टेनिंग टू अ प्रोसीडिंग्स दे सकते हैं. फीस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सपर्ट पैनल शॉल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सिर्फ मीडिएशन एंड काउंसिलेशन पैनल पे जिस पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी बातें की जा रही है. क्लियर है कंसेप्ट. मैटर शॉल बी सॉल्व विद इन अ पीरियड ऑफ कितना बोल डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. 3 महीने के अंदर इनको मैटर रफा दफा करना है, ये डायरेक्शंस है. और फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस टू द अथॉरिटी. ठीक है, अगर लिटिगेशन में, अब ये मीडिएशन काउंसिलेशन स्पेशल कोर्ट में क्यों आया, इसके पीछे रीजन है. कई बार आप स्पेशल कोर्ट में केस कर देते हो, बीच में अटक जाते हो. एनसीएलटी को केस करते हो, बीच में अटक जाते हो, सामने का प्रोसीजर आगे बढ़ ही नहीं पाता. अब ये प्रोसीजर बढ़ नहीं चाहता, कोर्ट का समय वेस्ट हो रहा है, स्पेशल कोर्ट का समय वेस्ट हो रहा है, एनसीएलटी का समय वेस्ट हो रहा है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? तो इस सिचुएशन में आप मीडिएशन काउंसिलेशन को पुट कर सकते हो, वो इस प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट कर देंगे. ये चीज को याद रखना. क्लियर है. इस चीज के बाद में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ कंपनी प्रोसिक्यूटर. सीधी बात है, अगर कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है और कंपनी ने खुद का लॉयर अपॉइंट नहीं किया है तो सीजी उस कंपनी के बिहाफ पे लॉयर अपॉइंट करेगा, उसे कहा जाएगा कंपनी प्रोसिक्यूटर. सिंपल.
अपील अगेंस्ट एक्विटल, कोई भी ऐसा पर्सन है, इफ अ सिमिलर केस अबव सीजी विल ऑल्सो अपॉइंट अ पर्सन हु विल अपील अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट पर्सन ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन। अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है, उसके ऊपर फ्रॉड का कोई भी अलिगेशन लगा है, तो उसके खिलाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट केस कैरी कर सकता है सेक्शन 444 में। नेक्स्ट, मानहानि का दावा, कंपेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर किसी पर्सन के ऊपर आप केस कर देते हो और उसको डिफेम करने की कोशिश करते हो और केस में कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो ऐसे केसेस में वो आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक सकता है। नॉर्मली ये होता है रेप वगैरह के केसेस में, रेप केसेस या किसी का मानहानि का दावा, ये मैरिज अगर ब्रेक होता है तो मानहानि का दावा हो सकता है कि किसी ने एक्यूजेशन ठोका, एविडेंस के बेसिस पे प्रूव नहीं हुआ। वो आपने मूवी देखा होगा एतराज, एतराज मूवी के अंदर अक्षय कुमार केस जीत जाता है तो कोर्ट उसको बोलता है कि आप चाहो तो एक्यूजेशन के लिए कंपेंसेशन कर सकते हो क्लेम, ठीक है। उसके बाद में अप्लीकेशन ऑफ फाइन्स, 446 के अंदर जितने भी पेनल्टी है वो यहां पे लगाई जा सकती है। 446A में फैक्टर डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट, न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है। अब ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना, 446 से किसी भी पर्सन को पूरे कंपनीज एक्ट में या स्पेशल कोर्ट में पेनल्टी लगाते हुए कुछ फैक्टर्स को ध्यान देखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले साइज ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी को पेनल्टी लगाते वक्त नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नहीं तो कंपनी भिखारी और आप पेनल्टी राजेशाही लगा रहे हो, नहीं चलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में पेनल्टी लगानी चाहिए, डिफॉल्ट के केस में पेनल्टी लगानी चाहिए, रिपीटेशन ऑफ डिफॉल्ट कितने बार है तो पेनल्टी उतने बार बढ़ती जाएगी, एंड मेमोरी टेक्निक है इसके लिए डिस्प्रिन, डिप्रिन, डिस्प्रिन बोलो या डिप्रेसिन बोलो, डिस्प्रिन मैं नॉर्मली याद रखता हूँ, DPRSN, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, डिस्प्रिन आप याद रखना, DSPRN, ठीक है, डिस्प्रिन से सरदर्द भागा जाता है ना, सेम डिस्प्रिन, डी पर से डिफॉल्ट, एस पर से, हेलो टेक्निक की प्रॉब्लम, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ओके, डी पर से डिफॉल्ट, एस पर से साइज ऑफ द कंपनी, पी पर से पब्लिक इंटरेस्ट, आर पर से दैट इज कहाँ गया, आर पब्लिक इंटरेस्ट, डिफॉल्ट का रिपीटेशन, एंड एन पर से दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस जो कंपनी कैरी करती है। सो एस सबसे पहले, डी दैट इज डिफॉल्ट, एस साइज ऑफ कंपनी, पी पब्लिक इंटरेस्ट, आर रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस, एन नेचर ऑफ बिजनेस। डिस्प्लिन टेक्निक लगाना याद हो जाएगा, कैसा लगा बताना मेरे को। 446 लेसर पेनल्टी फॉर स्मॉल कंपनी ओपीसी, सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न की पेनल्टी, सेक्शन 117 में दैट इज फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ जनरल मीटिंग की पेनल्टी, 137 में फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स की पेनल्टी, ओपीसी के केस में स्मॉल कंपनीज के केस में हाफ हो जाएगी और उसकी जेल भी हाफ हो जाएगी। जैसे 92 की पेनल्टी नॉर्मल कंपनी के लिए 50,000 और 5,00,000 है, तो यहाँ पे 25,000 से 2,50,000 हो जाएगी। ऑफिसर के लिए पेनल्टी 6 महीने की जेल, 50,000 से 5,00,000 है, तो यहाँ पे 3 महीने की जेल, 25,000 से 2,50,000 हो जाएगी। 117 में नॉन फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन के लिए 1,00,000 से 25,00,000 है, यहाँ 50,000 से 12,50,000 हो जाएगी। यहाँ 50,000 से 5,00,000 है, यहाँ 25,000 से 2,50,000 हो जाएगी। फॉर अ कंपनी 1,000 पर डे अप टू 10,00,000 है, तो यहाँ 500 पर डे अप टू 5,00,000 हो जाएगा। यहाँ 6 महीने की जेल है 137 में, और 1,00,000 से 5,00,000 है, तो यहाँ 3 महीने की जेल और 50,000 से 2,50,000 हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है स्पेशल कोर्ट, मैजिस्ट्रेट और जज वाला डिस्कशन अमेंडमेंट लेक्चर का देखना ना भूलिएगा। इसके बाद में मैं अगले लेक्चर के ऊपर जा रहा हूं, अगले कंटेंट के ऊपर, जो है एनसीएलटी का, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, आ जाइए। एनसीएलटी में सबसे पहली चीज, एनसीएलटी का 40 सेक्शन डेफिनेशन का है तो उसको हमने कवर नहीं किया है। 434 ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग है ओल्ड बीआईएफआर से। कई सारे बच्चों का मेरे को क्वेरी था, सर एनसीएलटी का 434 चैप्टर आपने दिया ही नहीं है सेक्शन, वो ट्रांजिशन पीरियड है, उसको डिलीट किया गया है बेटा, लगता था 2016 में, अब तो वो लगता भी नहीं है, तो वो डिलीट हो गया, तो उसको कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब एनसीएलटी के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि एनसीएलटी के अंदर जो 3-4 सेक्शन है लाइन से, उनको हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं। कोई क्वेरी है स्पेशल कोड का तो प्लीज पूछ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, मैं एक बार देख लेता हूं। फोर फोर्टी वन डिलीट हो चुका है, वो ट्रांजिशन पीरियड है बेटा जितिन, फोर्टी फोर्टी वन एक्सक्लूड हो चुका है बेटा, डोंट वरी, ट्रांजिशन पीरियड है वो, चलो डन।
लेट्स गो। अब एनसीईआरटी चैप्टर की जो एप्लीकेबिलिटी है बच्चों, आ जाइए, वो स्ट्रेट अवे उन्होंने शुरू की है सेक्शन नंबर 420 से। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। एनसीईआरटी चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी उन्होंने सेक्शन नंबर 420 से दी है, तो हम सीधा सेक्शन नंबर 420 से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी को अपील करते हो तो 3 महीने के अंदर डिसीजन देता है ऑर्डर, जो 45 डेज में आप अपील कर सकते हो नैकलेट को, जो 3 महीने में डिसीजन देगा ऑर्डर, जो 60 डेज में अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। रीजनेबल केस में ये पीरियड डबल हो सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी जो डिसीजन देता है, एनसीईआरटी का डिसीजन और एनसीईआरटी का ऑर्डर, ये बोला गया है सेक्शन नंबर 420 में। इसको हम कहते हैं 400 बीसी वाला ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एनसीईआरटी, ऐसे हम कहते हैं 400 बीसी वाला ऑर्डर। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। फिर उसके बाद में 421 में नैकलेट की अपील और नैकलेट का ऑर्डर कवर किया गया है। दिस इज अंडर 421, अपील टू नैकलेट एंड ऑर्डर, अपील टू एनसीएलएटी एंड ऑर्डर, 421 का ऑर्डर, 420 का ऑर्डर, 421 का ऑर्डर। ये जो 3 महीने का पीरियड बोला गया है ना, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये दिया गया है सेक्शन नंबर 422 में ऑर्डर पीरियड, कि कितने दिनों में ऑर्डर पास करना चाहिए। और फिर 423 में दिया गया है अपील टू सुप्रीम कोर्ट और उसका डिसीजन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, क्लियर है कंसेप्ट? तो आप देख सकते हो एनसीएलटी 420 में ऑर्डर। अब एक चीज यहां पे आपने याद रखनी चाहिए, ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करता है 2 ईयर्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर व्यू एंड रेटिफाई द मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अगर ट्रिब्यूनल ने 420 में ऑर्डर दिया तो 2 साल के अंदर ट्रिब्यूनल उसको रेटिफाई भी कर सकता है। यह चीज बड़ी काम की है, विद इन 2 ईयर्स रेटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। यह चीज को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, यह एनसीएलटी कर सकता है। क्लियर है सर? इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, डन एवरीबडी। इसके एडिशन में सेक्शन 424 इज अबाउट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, जिसके अंदर बोला गया है कि केसेस को एंटरटेन करने के लिए सिविल कोर्ट को जितने पावर्स होते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, सिविल कोर्ट को जितने पावर्स होते हैं, सिविल कोर्ट के पावर्स केस एंटरटेन करने के लिए। आपने पुराने मूवी देखे होंगे तो पुराने मूवी में जब कोर्ट रूम का सीन होता था तो उसमें जितनी चीजें बोली जाती थी सब सिविल कोर्ट के पावर है, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर मेंटेन डेकोरम ऑफ द कोर्ट। एनसीएलटी में भी केस एंटरटेन करते वक्त आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, डेकोरम ऑफ द कोर्ट मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, गवाहों और सबूतों को पेश किया जाए, मींस प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ विटनेस, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, एग्जामिनेशन ऑन ओथ। कोई अगर पार्टी प्रेजेंट नहीं हुआ, एग्जामिनेशन ऑन ओथ। कोई पार्टी अगर प्रेजेंट नहीं हुआ विद इन स्पेसिफाइड टाइम, कोर्ट का समय जाया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स पार्टी डिसीजन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांगना, इंक्वायरी करना, सो इंक्वायरी एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जितने भी सिविल कोर्ट के लिटिगेशन हैंडल करने के पावर है, ये सब के सब एनसीएलटी को ट्रांसफर किए गए हैं सेक्शन नंबर 424 में। सो इसको आप रीड कर लीजिए, मैं 2 मिनट देता हूं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो वहां से आप ये रीड कर लीजिए, इतना ही कंटेंट आपको उसके अंदर मिलेगा। गो फॉर इट फास्ट। बूस्टर में जितना पढ़ा है वही पढ़ना है, 441 इज नॉट एप्लीकेबल, वो डिलीट हो चुका है, ट्रांजिशन पीरियड है बेटा वो, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसके ऊपर। समनिंग अ पर्सन एंड एफिडेविट, ऑब्वियसली वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, एग्जामिनेशन ऑन ओथ एफिडेविट के ऊपर ही होता है बेटा। विटनेस को ही हम समनिंग अ पर्सन कहते हैं, विटनेस इज नथिंग बट समनिंग अ पर्सन। ये चाहिए तो लिख लीजिए सब जन और पढ़ लीजिए। विराट क्वेश्चन और डिस्कशन वीडियो नहीं आने वाला बेटा, वेरी सॉरी।
434 डिलीट हो चुका है, ट्रांजेक्शन पीरियड है बेटा, ऑलरेडी बोल दिया है मैंने, वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग का है। लेक्चर ठीक से देखिए आकाश, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। सो ये है 421, 422, ठीक है, 423 और 424, ये सेक्शंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगले सेक्शंस के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने तो फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आप, ठीक है। कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले 420 में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, 2 ईयर्स तक के ऑर्डर रेटिफाई किया जा सकता है विथ नोटिस। 421 में आप अपील कर सकते हो, 45 डेज में अपील किया जाएगा, फर्दर 45 डेज सफिशियंट कॉज में एक्सटेंड किए जाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी बोला था। ये अपील 3 महीने के अंदर डिस्पोज की जाएगी, ठीक है। एक्सटेंड द पीरियड नॉट एक्सेडिंग 90 डेज, 90 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं अगर अपील 3 महीने में डिस्पोज नहीं होती है तो। सुप्रीम कोर्ट की अपील की जाएगी, 60 डेज एक्सीड 60 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं, नॉर्मली विद इन 60 डेज किया जा सकता है। पावर ऑफ सिविल कोड में समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो मैंने बोला था एफिडेविट्स को एग्जामिन करना, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज को आपने एग्जामिनेशन करना, विटनेस को एग्जामिनेशन करना, एक्सपायरेटरी डिसीजन देना, एनी अदर ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल, ये भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर मेड बाय कोर्ट जुरिसडिक्शन ऑफ सच अ कंपनी, वो एज अ ट्रिब्यूनल उस कोर्ट को ये ऑर्डर देगा जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास सिविल पावर नहीं है ना, तो पुलिस ऑफिसर कहां से आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको देगा। 425 में बोला है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के अंदर आपने धींगाने किए और कोर्ट की अवहेलना की, कोर्ट का अपमान आपने किया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लग जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा पुराने मूवीज के अंदर हीरो होता है कटघरे में खड़ा, हमेशा उसके ऊपर खून का एग्जाम होता है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन चलते रहता है, वो विलेनिश वकील हीरो को बोलता है तूने खून किया है, हीरो बोलता है नहीं मैंने खून नहीं किया, हीरो बोलता है मैंने खून नहीं किया, और इधर से जज बोलता है तुमने खून किया है तुमको फांसी की सजा, और बीच में से उसकी माँ उठ जाती है पब्लिक में से और चिल्लाती है जोर से मेरे बेटे को छोड़ दो वो निर्दोष है, और इमिडिएटली कोर्ट का जज बोलता है आप इसी तरीके से बात करते रहेंगे तो आप कटघरे में आके बात किए, अदरवाइज हम इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, मतलब कोर्ट का अपमान कर रहे हो। जज को गाली देना, वकील को गाली देना, वहां धमकियां देना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्यों आप कोर्ट में जाके धमकियां नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, जाके देखे देखो एक बार, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। नेक्स्ट डेलीगेशन ऑफ पावर, अपीलेट ट्रिब्यूनल जनरल स्पेशल ऑर्डर से खुद के पावर डेलीगेट कर सकता है उसके ऑफिसर्स को, ये बिल्कुल अलाउड है। प्रिसाइड प्रेसिडेंट मेंबर ऑफिसर शुड बी अ पब्लिक सर्वेंट, सभी एनसीएलटी और नैकलेट के ऑफिसर ये पब्लिक के सर्वेंट्स होते हैं। अगर एनसीएलटी मेंबर और ऑफिसर गुड फेथ में कोई काम करते हैं, इफ दे डू एनी वर्क इन गुड फेथ, तो उनके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन नहीं हो सकता किसी जनरल पर्सन से, मतलब एनसीएलटी के ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास की जिसकी वजह से किसी को पेनल्टी लगी तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते तूने ऐसे कैसे पेनल्टी लगा दी, वो लॉ के हिसाब से काम कर रहा है तो उसके ऊपर लिटिगेशन नहीं होगा। 429 में पावर टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जहां पर इनको लगता है कि क्रिमिनल क्वेश्चन है, किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनली ऑपरेस करना है या उस पर्सन को क्रिमिनली पकड़ना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सर्च एंड सीजर कर सकते हो, बुक्स की कस्टडी ले सकते हो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर के हेल्प से, क्योंकि एनसीएलटी का खुद का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस ऑफिसर का स्टाफ नहीं है, इसके लिए आपको पुलिस ऑफिसर यूज कर रहे हो तो पहले मैजिस्ट्रेट को पूछना पड़ेगा, बिकॉज किसी के भी प्रॉपर्टी को छूना ये क्रिमिनल चीज है बेटा। सिविल कोर्ट हैव नो ज्यूरिसडिक्शन, एनसीएलटी जब बैठा है तो पूरे कंपनीज एक्ट में सिविल कोर्ट को कोई पावर नहीं दिया जाएगा, बिकॉज कंपनीज के सभी केसेस एनसीएलटी एंटरटेन करेगा। 431 में अगर एनसीएलटी में कोई भी डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट होता है, एनसीएलटी के मेंबर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कोई भी डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट होता है, और या तो फिर कोई वैकेंसी होती है, मतलब एखादा मेंबर बीमार हो गया या एखादा मर गया, तो बीच में जो पीरियड है जब तक नया मेंबर नहीं आता, उस पीरियड में लिए गए कोई भी डिसीजन इनवैलिड नहीं होंगे, वो सब डिसीजन वैलिड माने जाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? सो एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड द प्रोविजंस इनवैलिड, कोई भी प्रोसीजर को इनवैलिड नहीं बोला जाएगा, मतलब उस ड्यूरेशन में अगर टीसीएस के खिलाफ ऑर्डर पास किया है एनसीएलटी ने तो ऑर्डर वैलिड माना जाएगा, टीसीएस ये क्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारा ही कॉन्स्टिट्यूशन गलत तो ऑर्डर इनवैलिड है, नहीं हो सकता। राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, पर्सन खुद अपियर कर सकता है पर्सनली अगर वो चाहे तो, एनसीएलटी के सामने सीएसीएससीएमए का भी यूज कर सकता है, काम मिल रहा है खुश हो जाओ स्माइल दो मेरे को। इसके बाद में लिमिटेशन एक्ट, ये काम का नहीं है, 433 लिमिटेशन एक्ट के जितने भी टाइम पीरियड है वो एनसीएलटी को भी लगते हैं।
नॉर्मल सा सेक्शन है, ठीक है। 434 हमने दिया नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ट्रांजिशन पीरियड है। 434 इज अबाउट, एक बार सुन लो, हाई कोर्ट के सभी केसेस एनसीए को ट्रांसफर करने के बारे में है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के सभी केसेस एनसीएलटी को ट्रांसफर करने के बारे में है, सीएलबी के सभी केसेस एनसीएलटी को ट्रांसफर करने के बारे में है, जो 2016 में ही खत्म हो गया, तो अभी ये सेक्शन अप्लीकेबल ही नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना, ये चीज को याद रखना। यहाँ पे आपका एक और चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम है बेटा एनसीएलटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो पूछ लो और इसको रीड कर लो। फोर ट्वेंटी के ऑर्डर तभी रेटिफाई कर सकते हैं जब नैकलाइट को अपील नहीं है बेटा। हाँ एकदम बराबर है, नैकलाइट को अपील नहीं है तो ही ऑर्डर रेटिफाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं। चलो डन, हो गया बेटा। अब इसके बाद में हम कवर कर रहे हैं मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर सबसे पहले मैं सिखाना चाहूंगा सेक्शन नंबर 447 फॉर फ्रॉड। आ जाइए, लेट्स गो। मिसलेनियस प्रोविजन में भी अमेंडमेंट है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। 447 फॉर फ्रॉड, ये सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ये एक्सीडिंग है लोअर ऑफ, अमाउंट ऑफ फ्रॉड अगर आपका एक्सीडिंग है लोअर ऑफ 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर। वहां 1% ऑफ टर्नओवर दिख नहीं रहा, मैं उसको लिख दूं। ये एक्सीडिंग है 1% ऑफ टर्नओवर, कैसे दिख रहा है ये? अगर एक्सीडिंग है 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, विच ओवर इज लोअर से ज्यादा, और इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, तो ये बहुत सीवियर हो गया। पहले तो अमाउंट भी बड़ा है और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, तो 3 साल से 10 साल की जेल, अमाउंट ऑफ फ्रॉड से लेकर 3 टाइम्स का फाइन। लेकिन अमाउंट ऑफ फ्रॉड ये लेस देन है लोअर ऑफ 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर, तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक इंटरेस्ट इज एक्सीडिंग 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो 6 महीने से लेकर 10 साल की जेल है। मतलब जेल कम हो सकती है, जो मिनिमम 3 इयर्स की थी वो यहां मिनिमम 3 मंथ्स की, 6 महीने की होगी। अमाउंट ऑफ फ्रॉड से 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड, 448 फॉल्स स्टेटमेंट की भी यही ब्लॉक वाली पेनल्टी है। अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड मटेरियल नहीं है, कम है, पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट वाला पेनल्टी ही उठा के यहां पर लगाएंगे। और यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और अमाउंट ऑफ फ्रॉड भी कम है, तो इमटेरियल ऑफेंस है, तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है सिंपली, ठीक है। अप टू 5 ईयर्स बोला है, मतलब कम भी हो सकती है, और 50 लाख की पेनल्टी अमेंड हुआ है, अप टू 50 लाख की पेनल्टी लग सकती है। यह है आपका सेक्शन नंबर 447, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। डन। इसके बाद में सेक्शन नंबर 450 हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, दैट इज हब ऑफ पेनल्टी, 10,000 प्लस 1,000 पर डे, डिफेंस कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में हमने इसको देखा था, हमारे बोर्ड मीटिंग चैप्टर के अंदर, तो प्लीज उसको देखना। उसके बाद में हब ऑफ पेनल्टी, जब कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी पेनल्टी नहीं दिया गया है पर ऑफेंस दिया गया है, तो 10,000 प्लस 1,000 पर डे का पेनल्टी लगता है। इसके बाद में अब मैं जाना चाहूंगा डॉर्मेंट कंपनी के ऊपर। डॉर्मेंट कंपनी के लिए मैं नोट्स ओपन करूं, होल्ड। डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन नंबर 440-55 बड़ा काम का है, इसके अंदर एग्जाम में सवाल पूछा सकता है। सबसे पहले डॉर्मेंट कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है पर बिजनेस नहीं कर रही, हम उसको कहते हैं डॉर्मेंट कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड है पर बिजनेस नहीं कर रही। डॉर्मेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनएक्टिव, नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 साल से नहीं कर रही है, एंड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 इयर्स, जो 2 साल से ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है ना वर्क कर रही है, उसे हम डॉर्मेंट कंपनी कहते हैं। ऑल्सो सच ए कंपनी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब अदर देन
नॉर्मल ट्रांजैक्शन, जैसे एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ फीस टू गवर्नमेंट, इसको सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं बोला था। फिक्स कॉस्ट को पे करना इसको नहीं, रेंट पे करना इसको सिग्निफिकेंट नहीं, आरओसी को फाइलिंग की फीस पे करना ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब समथिंग इन द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है आपके पास, तो डोरमेंट कंपनी बोला जाएगा। अ कंपनी कैन अप्लाई फॉर द डोरमेंसी इन फॉर्म MSC1 with approval of 3/4 of the shareholders in value. 3/4 shareholders का in value आपको approval चाहिए dormancy के लिए apply करने के लिए. Eligible to apply, company will be eligible to apply in this section if there is no inspection inquiry investigation is pending or no prosecution. आपके खिलाफ ना inspection investigation pending है ना कोई litigation pending है, तो dormancy के लिए apply करो. Otherwise जिनका litigation और prosecution pending है वो बताएंगे कि आपके खिलाफ क्या करना है. अगर कंपनी के अंदर कोई भी deposits और outstanding loan pending नहीं है, अगर कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं है, कंपनी आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज नहीं है, कंपनी ने वर्कमैन ड्यूज पूरे पे किए हैं, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो इन केसेस में ही डोरमेंसी के लिए, अगर इसमें से किसी भी केस में आप फंस गए ए से लेके जी, तो आप डोरमेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है आंसर? कंसिडरिंग ऑल अबव, आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंसी इन फॉर्म नंबर MSC2, ठीक है। अ डोरमेंट कंपनी शॉल फाइल एन्युअल रिटर्न इन MSC3 विद इन 30 days ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपनी शॉल comply with minimum requirement of board of directors, ये बनाए रखने हैं, private है तो 2, public है तो 3, OPC है तो 1, ये बनाए रखने हैं। can seek a status of active company, dormancy के बाद अगर आपको business शुरू करना है, active company का status के लिए MSC4 file करो, जिसके अंदर आपको incorporation certificate या certificate of active company दिया जाएगा MSC5 में। जो company 5 साल तक dormant रहती है, उसका नाम strike off कर दिया जाएगा, उसका नाम क्या कर दिया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ, और उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। डज नॉट कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ MSC1, डायरेक्टर शॉल अप्लाई टू सीक अ स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। MSC1 जिस कंडीशन के ऊपर आपको दिया है डोरमेंसी के, अगर आप उसे कंप्लाई नहीं करते, तो जिस दिन कॉन्ट्रावेंशन किया वहां से 7 दिन में आपने एक्टिव कंपनी के लिए अप्लीकेशन करना चाहिए, अदरवाइज इसे कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। यह है सेक्शन नंबर 455। 447 हमारा हो चुका है, 455 हमने अभी लिया, 450 हमने लिया था ऑलरेडी जब हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे थे। यहां पे मिसलेनियस प्रोविजन खत्म होते हैं। कुछ एक सेक्शन आया था 454 एंड 454A, छोटे छोटे सेक्शन है, इसको मैंने अमेंडमेंट लेक्चर्स में कवर किया है। नवंबर 19 का अमेंडमेंट लेक्चर आप इसके लिए देख सकते हो, उसके अंदर ये सेक्शन ऑलरेडी कवर्ड है, इन डिटेल आपका वहां पे रिवीजन हो जाएगा। आई गेस कोई क्वेरी है तो प्लीज पुट कीजिए, या फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। गो फॉर इट फर्स्ट। एक्सक्लूड है, कब का एक्सक्लूड हुआ अभिषेक जिंदल? 2009 जून का नोटिफिकेशन है बेटा, 2019 का 408 to 419 कब का एक्सक्लूड हो चुका है? जून 2019 में नोटिफिकेशन आया था, जुलाई में मेरा वीडियो भी आ गया था, इसलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखा कीजिए जिंदगी में, कुछ पता नहीं होता, पढ़ भी लिया होगा तो समय वेस्ट हो गया बेटा। लास्ट अटेम्प्ट नवंबर 19 के लिए एक्सक्लूडेड था वो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ये भी ले लो, डन। चलो सो यहां पे हमारा वंडर रिवीजन पूरा का पूरा होता है खत्म, जितना मेरे को देना था वो सब मैंने दे दिया है। क्लियर है सर? ओडीआई और इंपोर्ट प्रोसीजर्स का वीडियो मैं आगे रिलीज करूंगा, मैं उसके लिए लाइव सेशन अगर हो सकता है तो लेने की कोशिश करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। फिलहाल उसके नोट्स वगैरह और सब एनालिसिस प्रिपरेशन में, आपने मेरी आदत देखी होगी, जो भी देता हूं मैं बेस्ट देता हूं, पूरा रिसर्च करके देता हूं, सो इसलिए थोड़ा सा समय देना। इसी भी ऑलरेडी रिलीज कर दिया है अमेंडमेंट लेक्चर्स में, आप उसको देख सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर है? इसके भी एडिशन में ये चीज को याद रखना है कि आपको भी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना और एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से देना, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब रही बात, और कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच, जितने भी लोग थैंक यू बोल रहे हैं, और यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, सब लोगों ने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया है। विक्रम, कस्तूरी, शेष, पंकज, वेलकम बेटा, लक्ष्य, अखिल, माधव, रूपेश, अभिषेक, सौरभ, नेहा, चिराग, के शेषा, पंकज, प्रीति, भूपेंद्र, दिशा, रितु, नाव्या, तुषार, कस्तूरी, त्रिज्या, शुभम, सबको थैंक यू सो मच बेटा, सबको वेलकम। क्वेश्चनर के अंदर आरटीपी एमटीपी इंक्लूडेड है बेटा, नवंबर 19 तक का सब इसके अंदर इंक्लूडेड, नहीं मई
19 तक का इंक्लूडेड है, आपको आरटीपी एमटीपी नवंबर 19 का पेपर सेपरेटली देखना पड़ेगा। हालांकि नवंबर 19 के पेपर एनालिसिस मेरा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, इस चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। आई थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और जो 200 लोग एंड तक के मेरे साथ रहे उनको मेरे तरफ से बहुत ज्यादा दुआ कि आप एंड तक के मेरे साथ रिवीजन के अंदर रहे। बीच में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई, एक दिन थ्रोट चला गया, एक दिन लाइन चली गई, बट वी आर हैप्पी कि हमने हमारा वनडे रिवीजन कंप्लीट किया है। इसके एडिशन में निधि कंपनी और रजिस्टर्ड वैल्यूअर का लेक्चर देखना ना भूलिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। आप सर्च कर सकते हो, मेरे से लिंक मत मांगना, मैं नहीं दे पाऊंगा पर्सनली किसी को। निधि कंपनी, सीए दर्शन खरे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कोई भी चीज सर्च करनी है सिंपल टेक्निक, यूट्यूब के ऊपर डालना ये लेक्चर सीए दर्शन खरे, ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, चलो डन एवरीबडी। ओके, एंड में मैं सॉन्ग मैंने प्रॉमिस किया था गाऊंगा, तो सबने सॉन्ग सॉन्ग बोला तो मैं उसको गा देता हूं। सॉन्ग काफी मेरे करीब है तो अच्छे से ध्यान देना, और दो चार ही लाइन है तो सुनना, ये आपके लिए भी डेडिकेटेड है कि आप अच्छे से पढ़ो इसके लिए। बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ, रुक जा रे बंदे आ, कुछ रात जरा सी है, अब बात समझ बंदे आ, कुछ देर ही बाकी है। हो रख यकी आंखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आंखों में बंदिया चल के आएगा। तरतारुम तारारुम तन्नर नारुम तारारुम ना, हो तरतारुम तारारुम तन्नर नारुम तारारुम ना, हो बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द सॉन्ग, थैंक यू सो मच गाइज। सो वन डे रिविजन लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको उतना ही एडवांटेज हुआ होगा जितना मेरे को पढ़ाने में मजा आया, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। दिस दर्शन करे साइनिंग आउट। आपको वीडियोस कैसे लगे? अगर आपको बहुत अच्छे लगे तो सब लोगों से शेयर कीजिएगा। नियरली 200 लोग ऑनलाइन हैं, अगर ये 200 लोग ये वीडियो नियरली चार चार लोगों से भी शेयर करते हैं तो हम टेंटेटिवली 800 900 1000 लोगों के ऊपर वैसे ही पहुंच जाएंगे। वैसे ही स्टार्टिंग से 1000 लोग थे, सो आई होप सो एंड तक के सबके पास वायरल हो जाएगा। और सब लोगों को मैंने मेरे तरफ से पूरा बेस देने की कोशिश की ड्यूरिंग द लेक्चर। अगर मेरे तरफ से कोई भी छोटी मोटी एरर या गलती या ह्यूमन एरर हुई हो वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज हम नियरली इतने सारे घंटे पढ़ा रहे हैं, तो अगर गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। दिस दर्शन खरे, ओवर एंड आउट, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आपके और आपके फैमिली को मेरे तरफ से बहुत दुआ है, स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना का लॉकडाउन जब तक शुरू है प्लीज गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो कीजिए, ये आप ही के हेल्थ के लिए है। फिलहाल यूएस की कंडीशन देखोगे, यूके की कंडीशन देखोगे तो बहुत खराब है, इटली की कंडीशन तो हाथ के बाहर ही है। तो घर पे रहिए, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।